सब्सक्राइब करिए आरएस मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को और हमारी नई वीडियो देखने के लिए बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए टैंक का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें टैंक एक ब्रोकन हो गया था, उसे हम लोग रिपेयर कर रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए इस टैंक को कैसे हम लोग रिपेयर करते हैं। टैंक फट गया था, इससे हम लोगों का पानी ज़्यादा लीक होता था, इसे हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले काम हम लोगों के टैंक रिपेयर करने के लिए हम लोगों को इसका थोड़ा ज़्यादा एरिया 10x10 इंच का एरिया हम लोगों को ये क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से। रेगमार की मदद से आप लोग क्लीन करेंगे तो इसका अच्छे से डस्ट क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को अच्छे से। आपको वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करेगा, और हम टेक्निकल से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो बने रहिए दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में, आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा ये एरिया दोस्तों अच्छे से क्लीन हो चुका है। इसके बाद हम लोग एमसील लेंगे, एमसील आप लोग देख सकते हैं, एमसील लेंगे। एमसील के बाद हम लोग एमसील लगाने क्रैक पे एमसील लगाने के बाद में हम लोग थोड़ा सा पानी लेके इसको फिनिशिंग दे देंगे, जैसे कि चारों तरफ हम लोग फिनिशिंग दे देंगे। एमसील अच्छे से फिनिश हो जाएगा, मतलब फिनिशिंग आ जाएगा एमसील में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। ये हम लोगों का एमसील भी फिनिशिंग हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग इसको दो घंटे के लिए इसको हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद छोड़ने के बाद हम लोग इसको एक बार, दो घंटे छोड़ने के बाद जब ये एमसील सूख जाएगा तो एक बार इसके ऊपर फिर से सैंडिंग पेपर से इसको अच्छे से थोड़ा साफ़ कर लेंगे। इसको अच्छे से साफ करना है दोस्तों, इसमें थोड़े भी दाने ना रह जाएं। दाने की वजह से हम लोग इसके ऊपर जो सील टेप लगाएंगे वो सील टेप फट भी सकता है। तो दोस्तों ये अच्छे से हमारा साफ़ हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये है सील टेप, ये टेप हम लोग लगाने वाले हैं। इसको अच्छे से लगाएं दोस्तों दबा के, ये सील टेप है, ये एक बार चिपक जाएगा तो लीकेज होने का चांस नहीं रहता है। तो इसमें बबल्स भी नहीं आने चाहिए बीच में। तो इसको टेप को अच्छे से लगा लें। टेप को अच्छे से लगाने के बाद में सेम प्रोसेस आउटसाइड भी, ये इनसाइड हम लोग टैंक को कर रहे थे, सेम आउटसाइड ऐसे ही करना है आप लोगों को। फर्स्ट रेगमार से क्लीनिंग करके बाद में एमसील लगा के सेम प्रोसेस में ये टेप लगा देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम टेक्निकल से रिलेटेड ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आगे हम लोग ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।